सकते हैं, मतलब एक अलग ही एहसास है जो आप बयान नहीं कर सकते, शायद एक रूहानी तसल्ली है। अच्छा लगता है अगर, और इसके पहले भी आया था तो कुछ चीजें मांगी थी वो पूरी होगी तो दोबारा आया हूँ। समा बना करते थे यहाँ पर, उनकी महफिलें जमती थी और अबू बकर तुसी हैदरी गाते बहुत अच्छा थे, खूबसूरत भी थे। और इस दूर से आते हैं बेंगलोर, कोलकाता, बंगाल, बिहार, ये प्रगति मैदान है इधर, और ठीक इसके नीचे एक जगह पर यहाँ पर यमुना बहा करती थी। ढालू है जो भक्त है, हर मजहब, हर कौम और हर मिल्लत के लोग यहाँ पर आते हैं। कितने साल से आ रही हैं आप? हो गए हमें तो बचपन से ही आ रहे हैं। कम किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये सब जो मुरादों वाले मटके हैं वो सब के सब यहाँ पर इधर लगे हुए हैं। दिल्ली की ऐसी दरगाह पर आया हूँ जो 800 साल पुरानी है, और यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सभी किस्म के लोग आते हैं। यहाँ पर मटके मटके यहाँ पर होते हैं और इनको मटका पीर के नाम से भी जाना जाता है। अभी तो हमारी मन्नत पूरी हुई नहीं, अगर पूरी हो जाएगी तो बाबा पे फिर आएंगे, पूरा सामान चढ़ा के जाएंगे। इससे पहले हमारी मुराद पूरी हुई, यहाँ आने के बाद दोबारा से फिर आए बाबा से मांगने। बस दिल जुड़ा हुआ है, सुकून है, यहाँ आने से सुकून मिलता जाता, तो इस वजह से जो है आप होती है मुराद पूरी। मुराद पूरी होती है तो क्या करती हैं आप? मटका चढ़ाते हैं यहाँ पर। आदाब नमस्कार, मैं हूँ अकरम खान, द न्यूज़ गेट में आपका स्वागत है। आज मैं दिल्ली की ऐसी दरगाह पर आया हूँ जो 800 साल पुरानी है। इसकी तारीख 800 साल पुरानी है, यानी कि 800 साल पहले शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी, ये उन्हीं की दरगाह है। ईरान शहर से ये साहब आए थे, बुजुर्ग ईरान शहर से आए थे, ईरान के तूस शहर से आए थे और अपने साथ मटका, चना, गुड़ लेकर आए थे। पानी भी था लेकिन अब वो दूध की शक्ल में तब्दील हो गया। मटके मटके यहाँ पर होते हैं और इनको मटका पीर के नाम से भी जाना जाता है। मटका क्यों चढ़ाया जाता है, चना और गुड़ क्यों होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। और जायरीन जो लोग हैं यहाँ पर, श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, हर मजहब, हर कौम और हर मिल्लत के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी आस्था लिख के साथ आते हैं, मनोकामना के साथ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और जब वो पूरी हो जाती है जो दुआ है या मन्नत है, तो फिर उसके बाद आकर मटका, गड़ा, मटका, गुड़ और चना, ये सब आकर यहाँ पर चढ़ाते हैं। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मटके ही मटके नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, और भी कई एक हर पेड़ के ऊपर यहाँ पर मटका नज़र आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़ायरीन से भी बात करेंगे और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं गद्दी नशीन, उनसे भी बातचीत होगी। इसके अलावा यहाँ की जो तारीख है, यमुना यहाँ से लगकर कैसे बहती थी और क्या क्या हुआ था, वो सब सिलसिले यहाँ पर बताऊँगा मैं। आइए ये सबसे पहले मैं आपको दरगाह के अंदर लिए चलता हूँ। यहाँ पर जब आप लेंगे तो ये प्रगति मैदान के ठीक बराबर में है और मास्क लगाना ज़रूरी है और यहाँ आने के बाद। और देखिए ये है बाबा मटका पीर अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी, तकरीबन 800 साल पुराना ये पूरा सिलसिला है। और 800 साल पहले ये वही दौर था जब बहरौली शरीफ, जिनकी दरगाह है, हजरत नामुद्दीन औलिया हैं, ये उन्हीं के ही कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि उन्हीं के ही समकालीन थे और जो यहाँ पर आया और सब मिलकर बैठकर यहाँ पर सब उनकी महफिल जमा करती थी, समा चलते थे। देखिए मटके सब अलग अलग किस्म के अलग अलग तरीके से यहाँ पर लेकर आते हैं, जिसकी जो मन्नत होती है वो यहाँ पर मटका चढ़ाता है और मटका चढ़ाने के बाद यहाँ पर मटका, गुड़ और चना, ये सब चीज़ें इधर लेकर आते हैं। बहुत सुकून है, अच्छा लगता है आने के बाद, एक रूहानियत का एहसास होता है यहाँ पर। देखिए और बाकी जो लोग अपने अपने जो मन्नतें हैं वो सब यहाँ पर मांगते हैं, जो अपनी अर्जियाँ हैं, देखिए जो अपनी अर्जी है वो यहाँ पर इधर इधर लिख देते हैं, इधर भी है। देखिए ये सारे में ये सब जो अर्जी इधर इधर लगी हुई है, और ये खुशबू आप यहाँ पर आओगे तो ख़ास किस्म की जो खुशबू है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी और अच्छा लगता है। यहाँ पर लोग बहुत कम हैं तो इसलिए और ज़्यादा इधर सुकून है, वरना यहाँ का जो सिलसिला है वो बड़ा गज़ब का होता है, लोग आते रहते हैं इधर। आप ही देखिए और अपनी तारीख है इसकी, 800 साल पुराना है। और आपको बता दूँ कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका महरौली शरीफ में मज़ार है, हजरत नामुद्दीन औलिया और भी कई गुजुर्गों की यहाँ पर
समा बना करते थे, यहाँ पर उनकी महफिलें जमती थी और अबू बकर तूसी हैदरी गाते बहुत अच्छा थे, खूबसूरत भी थे और इसलिए ये महफिल जमा करती थी और ठीक इसके बराबर में यमुना बहा करती थी। यमुना के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ से काफ़ी नीचे थी, अब तो खैर यमुना सिमटकर बहुत दूर चली गई है, ये देखिए सिमटकर बहुत दूर चली गई, जिसको जो लगता है वो यहाँ पर अपने मटके इधर लगा देता है ये यहाँ पर, और ये समा बना करता था और ये समा का जो सिलसिला है ये वाकई अपने आप में रहने वाला है। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग इधर? बहुत बहुत दूर से आते हैं, बेंगलोर, कोलकाता, बंगाल, बिहार, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। क्या उम्मीदें रहती हैं लोगों की, ख्वाहिशें तब पूरी होती हैं, मन्नत पूरी होती है? उम्मीदें ये रहती है कि बाबा के पास जाएंगे तो हमारी मुराद आएगी, इसलिए आते हैं। और मुझसे पीछे पूछिए पीर साहब से। जी देखिए, जो बातें हैं सारी बताई इन्होंने, वो सब मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सभी किस्म के लोग आते हैं यहाँ पर। और जो चादरें हैं देखिए, जैसे इस तरीके से चादरें यहाँ पर इधर चढ़ाई जाती है, इसका एक अपना वाली मकाम है। अब यहाँ पर देखिए सब लोग आते हैं, मैं उनकी इबादत में दरखलल बिल्कुल नहीं डालूंगा और यहाँ से इधर बाहर निकल कर आ जाऊँगा। मेरा नाम तो विक्की है। विक्की भाई, क्या अकीदा है आपका, क्यों आए, किस लिए आए और कब से आ रहे हैं? मैं तो देखिए यहाँ पे आता ही रहता हूँ, क्योंकि बुजुर्गाने दिन के पास आने से तो वैसे ही बहुत फैज मिलता है और सूफीज़म से हम टच हैं, तो सूफियों में उठना बैठना भी और हमें मालूम है इनके बारे में, तो बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो जो भी यहाँ आता है उनकी मुरादें पूरी होती हैं। आप सच्चे दिल से आइए, मांगिए, सबको सब कुछ मिलता है। अब ये देखिए, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो यहाँ पर मटके आते हैं और मटके इस तरीके से यहाँ पर लटका दिए जाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होता है। गुड़ और चना लोग यहाँ पर लाते हैं, अगरबत्ती का भी इधर सिलसिला है। कहाँ से आए हो? न्यू ब्रांच कॉलोनी से। तो क्या कोई मन्नत पूरी हुई है या? अभी तो हमारी मन्नत पूरी हुई नहीं, अगर पूरी हो जाएगी तो बाबा पे फिर आएंगे, पूरा सामान चढ़ा के जाएंगे। इससे पहले भी आए थे या पहली बार आए? हम तो फर्स्ट टाइम आए। आप पहली बार आए कई बार? आप कहाँ से आए? बदायूं से आए। तो खास यहीं के लिए ही आए? जी, महबूब लाई। पहले भी आए कभी? एक बार और आ चुके। क्या एहसास है, क्या फील? हमारी मुराद पूरी हुई, यहाँ आने के बाद दोबारा से फिर आए बाबा से मांगने। अच्छा, तो आपने क्या क्या यहाँ पर, जब मुराद पूरी हो गई तो फिर आपने क्या किया? अभी तो कुछ नहीं किया। आपने गुड़, चना, बटका चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। आज सिन्नी वगैरह पाते लगवा दी के बाद ही सारे। जी जी, ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि क्या किया, लेकिन जो भी हुई बेहतरी हुई। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। सलसल आते रहते हैं या पहली बार इत्तेफाक है? नहीं, हमारा तो आना जाना लगा। क्यों आते हैं? बस दिल जुड़ा हुआ है, सुकून है, यहाँ आने से सुकून मिलता जाता, तो इस वजह से जो है। और रूहानियत का एहसास होता है? हाँ बिल्कुल, जब दिल जुड़ा हुआ है तो रूहानियत का एहसास तो बिल्कुल होना है। और जो है इसी चक्कर में जो है जल्दी जल्दी आते हैं दिल्ली जमुना पार से हम। तारीख जानते हैं आप अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी? नहीं, तारीख तो इतना मैं नहीं जानता हूँ, खैर मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ जो मैं आपको मैं बता सकूँ। हाँ, बाकी तो यह है कि भाई देखो, जहाँ आस्थाना है बुजुर्गों का वहाँ तो देखो कर्म तो है ही है। जाओ पीर बाबा की जय। पीर बाबा मुझे सही करेंगे, जय। आपकी तो तबीयत खराब है, आप क्यों आ गई? जब शोहरत होती है किसी बुजुर्ग की तो उस बुजुर्ग में कोई ना कोई बात जरूर होती है। तो आपको बता दूं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया, इसके अलावा फत्ते शाह, उन सबके ये कॉन्टेम्प्रेरी थे, यानी समकालीन थे। यही वो जगह थी जहाँ पर समा बना करते थे, समाए महफिल चलती थी, लोग आते थे, समा चलती थी और कव्वाली भी उस किस्म की चला करती थी। देखिए ये तो खैर अब तो एक बहुत छोटी सी शक्ल है इसकी। और ठीक इसके नीचे आपको बताऊं, यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा ठीक बराबर में ये प्रगति मैदान है इधर, और ठीक इसके नीचे इस जगह पर यहाँ पर यमुना बहा करती थी। ये अच्छा खासी हाइट पर है और यमुना बहुत दूर चली गई है और यहाँ पर ये इधर प्रगति मैदान का, यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो इधर हो गया। अब इधर जो लोग हैं वो इधर आ गए। चलिए मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, इनके भी क्या हो।
आप भी कहाँ से? दिल्ली छह आए आप? जमुनापार से आए? जमुनापार से। फसल आती रहती है? हाँ, क्या मांग ली? बस मांग ली। अच्छा, बताने की नहीं है? नहीं, बताएंगे नहीं। मुराद पूरी हुई है? हाँ, होती है मुराद पूरी। मुराद जब पूरी होती है तो क्या करती हैं आप? मटका चढ़ाते हैं यहाँ पर। अच्छा, कितने मटके चढ़ा दिए? चखारी मुराद पूरी हुई है हमारी? तो फिलहाल हमारी एक ही हुई थी, हमारा भाई हुआ था तो एक ही हुई है वैसे तो। कितने साल से आ रही हैं आप? हो गए हमें तो बचपन से ही आ रहे हैं। बचपन से ही आ रहे हैं। और इनका अकीदा है ये, और अकीदों के जरिए से ही अकीदतमंद हैं जो उधर मुसलसल आते हैं, और सिलसिला जो उधर कव्वालियों का है उधर चलता रहता है। जो नॉइज़ है, जो आवाज़ है, वो भी आप इधर देख रहे होंगे। अलग ही कैफियत है, मतलब एक अलग ही एहसास है जो आप बयान नहीं कर सकते शायद। एक रूहानी तसल्ली है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपकी जो स्ट्रेस है, जो आजकल की भाग दौड़ है, वो सब कुछ आपका शांत हो जाता है यहाँ के। अभी आप खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे यहाँ जब आप आए हैं, तो क्योंकि यहाँ कव्वाली चलती है, उसकी जो रूहानियत है, तो यहाँ का जो एक ऑरा, एक जो एक माहौल है, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे लोगों का बोलना है कि यहाँ पर है पूरी होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं, आकर मटका भी चलाते हैं लोग, और एक सुकून मिलता है, एक एहसास मिलता है, तो रूहानियत का एहसास होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, और वैसे तो आज जुमेरात है, अच्छा खासी भीड़ होती है, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, कम किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये सब जो मुरादों वाले मटके हैं, वो सब के सब यहाँ पर इधर लगे हुए हैं, इधर चढ़ाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सब, ये और पीछे देखिए जो आप देख रहे हैं सामने, ये सब मेन रोड है, जो मथुरा रोड है, ये सामने इधर मथुरा रोड चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत करीब है ये, और प्रगति मैदान वाली जो रोड है पेट्रोल पम्प, ठीक उसके बराबर में देखिए कितनी हाइट है ये, और ठीक इसके बराबर में ही यमुना लग के बहा करती थी। ये बात कर रहा हूँ मैं 800 साल पहले, और मटकों पेड़ों में भी ये सब चीज़ें इधर लगा दी गई हैं। और जगह छोटी सी है लेकिन हाइट पर है, चकासी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। एक बार इस दरगाह पर ज़रूर आइएगा, इस दरगाह की बहुत मान्यता है, लोग बहुत आते हैं इस जगह पर। आज तो खैर भीड़ कम है, वरना लोगों का जो सिलसिला है, जो ताता है, वो यहाँ पर लगातार इधर बना रहता है। देखिए जो अर्जी है, मैं आपको दिखाया था जो अर्जी है लोगों की, ऐसे दिखाई नहीं जाती, सिर्फ मैं आपको एक सरसरी निगाह जो है ऊपर से डालूंगा। देखिए मैंने को बताया था आस्ताना हजरत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदे उर्फ मटके शाह उर्फ मटके पीर, इनका ज्यारत है। कहाँ से आए हो आप? बिहार से। सिर्फ यहाँ पर ज्यारत के लिए आए हो आप? ये अभी काम भी करते हैं, आज तिजारत भी करते हैं यहाँ। क्या सिलसिला है यहाँ का? सिलसिला बहुत सिलसिला है यहाँ, आदमी जो आता है अपने मुराद लेकर पूरा हो जाता है। आपकी हुई है? हमारा तो बहुत कुछ हुई है। बहुत कुछ हुआ है, इसलिए लगातार जारी है लेकर और समय दिए अजमेर शरीफ तक। चलिए, आप कहाँ से आए दोस्त? जी मैं गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा, गुड़गांव से खास यहीं के लिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जीशान हुआ। जीशान? जीशान, अमूमन आते रहते हैं आप या पहली बार आना हुआ? नहीं, ये सेकंड टाइम आ रहा हूँ। जी हाँ, तो क्या फील है, क्या सोच कर आए थे, क्या बताइए? अच्छा लगता है अगर, और इसके पहले भी आया था तो कुछ चीजें मांगी थी, वो पूरी होगी तो दोबारा आया हूँ। पूरी हुई वो? हाँ, पूरी हुई तो फिर क्या किया आपने? बस चादर चढ़ाया हूँ अगर, बस आगे जो मटका चना गुड़ ये सब नहीं चढ़ाया? हाँ, मटका नहीं चढ़ाया हूँ, सिर्फ चादर चढ़ाया हूँ, बाकी शेरनी वगैरह फातिया करवाया हूँ। जी जी, चलिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। इनकी पूरी हो गई, और मेरे ख्याल से अब चलते हैं, काफ़ी लंबा इनका वो सिलसिला हो गया। और ये देखिए ना, वाह ये देखिए, रहमत रहमत
सुकून का एक एहसास है, बहुत अच्छे। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। और इस किस्म के जो प्रोग्राम है हम और भी करते रहेंगे, मंदिर में भी जाएंगे, गुरुद्वारे में भी जाएंगे, मस्जिदों में, आस्थानों पर, और इस तरह के और भी जो सोशल कॉमन एरियाज हैं उन सभी जगहों पर पहुँचेंगे। और आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अदाब, नमस्कार।